वो कहाँ जा रहा है इतनी बारिश में, इतनी तेज बारिश में? कौन रानी? हाँ रानी आनी आने वाला बेटा, बहुत तेज, इसको देखो कितनी तेज तेज हवा, और इतनी बारिश हो रही है कि मैं आके चुपचाप से बैठ गई हूँ, बेटा गया है बाहर तो थोड़ी सी चिंता होती है, बहुत तेज बारिश है। और कुछ क्या बोलूँ, फिर आज जो है इस वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कि चेंज कैसे होता है मौसम, कोई भी चीज़ कैसे चेंज होता है, तो चेंज तो होना ये तो नियम है, चेंज जो है ये लाइफ का, ये प्रकृति का जब नियम है तो इंसान में भी चेंजिंग होता है। तो कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, जैसे कि कभी कभी जैसे ये एक सुख दुख जैसा हुआ कि अगर आप में आपके लाइफ में दुख है तो सुख होगा ही कभी ना कभी, और सुख है कभी कभी दुख भी होगा, ऐसा तो कोई इंसान नहीं बना जिसकी लाइफ में सुख ना आए और दुख ना आए, है ना। हर किसी पैसे वाले को भी दुखाता है और जो नॉर्मल है उनको भी दुखाता है। मैं आज इसी मौसम का जो है आज एडिटिंग करूँगी और दिखाऊंगी आपको कैसे दिल्ली का मौसम होता है। तो ऐसे में वो तो शुक्र है मैं स्कूल से जो है घर आ गई हूँ, वरना इतने काले बादल में पता नहीं क्या होता, बारिश में छाता भी लेके नहीं गई थी, मौसम का पता ही नहीं चलता। नहीं एक ही साइड था, एक ही साइड ऐसे, और वो भी हल्का ग्रे कलर नहीं था, और एक ऊंचा वाला भी था। चलेगा अभी क्या? अभी चलेगा। और यहाँ पे बेटे को कॉलेज जाने से पहले मुझे जाना था उसके साथ मार्केट, लेकिन मौसम ख़राब हो रहा था तो मैं तो कॉलेज जाने के लिए भी मना कर रही थी, पर कुछ ज़रूरी काम था इसलिए उसे जाना पड़ा। तो यहाँ पे वो भी उसके पहले का ये शूट है, तो ये मैं अभी वो अभी खाना भी नहीं खाया तो मैं उसे फटाफट खाना दूँगी तब वो कॉलेज जाएगा। वो खाई थी तुमको काम आ जाएगा। और जब मैं स्कूल से आई तो खिड़की दरवाजे सब इन्होंने बंद कर रखा था, जबकि मौसम बाहर इतना अच्छा हो रखा था, इनको पता ही नहीं चलता अपने काम में ये पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते हैं। मैं आकर स्कूल से इसे खोली विंडो को, मैंने कहा बाहर का थोड़ा मौसम भी देख लो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन जब मेरे आने के बाद इनको जो है थोड़ा सा मौसम का जो है पता चलता है, क्योंकि ये एक अपने लैपटॉप पे रहते हैं एक अपने लैपटॉप, दोनों अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, दोनों बाहर से कोई उतना मतलब ही नहीं रहता, बाहर निकलते बहुत कम है, काम से ही निकलते हैं। तो यहाँ पे विंडो में खोल देती हूँ, बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, और उस मौसम का मज़ा उठाया जाए, और देखती हूँ कब तक ये मौसम मेरा साथ देता है। बाहर बारिश आ रही है, ले जाने के लिए है दे रही हूँ, पूजा वाला ले जाओ छोटा वाला, देख लो देख लो, अरे तो बहुत तेज आंधी है आ गई है। मौसम कितना अच्छा है, देखो पेड़ पौधा सब कितना अच्छा चल रहा है। ओहो दरवाजा खुलेगा, अब जैसे दरवाजा खिड़की खोली होगी बस बादल दिखाऊं।
वेरिफिकेशन करवाना है। कौन सा वेरिफिकेशन? हमें भी तो बताए। अपने एडमिट कार्ड का वेरिफिकेशन कौन सा? हमें भी बताए। कहाँ रखी कपड़ा? और यहाँ मैंने निकाल लिया है बारिश का सबसे बड़ा हथियार छाता। और छाता रखा रहता है बारिश के दिनों के लिए, लेकिन ये कभी भी बेमौसम बरसात हो रही है तो छाता को बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम से समय से मिल जाइए, वरना ये मिलता नहीं है बेमौसम में। मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रखा है, आज का दिन आज घूमने वाला दिन, पर घुमाने वाला कोई नहीं। और ये देखिए, जैसे ही मैं बाहर का मौसम एंजॉय करने लगी, इतनी तेज आंधी आई, इतनी तेज को आप क्या बताऊँ, यहाँ सेट्टी वट्टी सब पलंग अंदर अंदर सब बारिश आने लगा। तो बेटी गुस्सा भी कर रही थी कि आपको नहीं बोली थी खोलने के लिए। और सही में मौसम असल में क्या होता है ना कि मैं अगर खोल के चली भी जाऊँ तो अचानक से अगर आ जाए आंधी पानी तो इन लोग को पता नहीं चलेगा फिर कहीं। तो ये ठीक करते हैं, वैसे बंद करके रखते हैं। तो मैं आती हूँ तो खोलती हूँ, तो सभी को बंद किया दरवाजा और खिड़की इन सबको। और ये देखिए कितनी तेज है, निकली हुई थी तो मेरा हाल देख क्या गीली हो गई। देखने की इधर का ही पूरा है, पूरा पानी पानी बेटे को देखने के लिए निकली थी। इतनी तेज बारिश हो रही है तो बेमौसम बरसात, मौसम का मिजाज ही बदला हुआ है। मेरे आज के पूरे पौधे जो है एंड तक जो है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक सारे पौधे नहा लिए। ये सारे ऊपर देखो वो सारे नीचे मनी प्लांट वगैरह सब। कोई वीडियो अपलोड नहीं करूंगी आज, दिल्ली का मौसम ही दिखाऊंगी आपको। और देखो आप कितनी तेज बारिश है, आवाज सुनो मैं दिखाती हूँ आपको तेज बारिश है। मैं तो बाहर भी नहीं जा रही हूँ डर से, बारे बहुत ज्यादा। ये पानी देखो, ये देखो, ये देखो इतनी बड़ी बड़ी बूंदें। मौसम बहुत खराब हो गया और आवाज आप सुनो, मेरी आवाज भी आपको जो है नहीं। और आज मेरे सारे पौधे जो है ना बिल्कुल अच्छे से नहा लिए हैं, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है इन पर धूल जब बैठता है तो मैं नहला दूँ, पर मेरे इतने सारे नीचे तक फैले हुए हैं ना कि मैं वहाँ तक मेरा हाथ भी नहीं जाता और उस पर डस्ट वस्ट जो है ना पत्ते पे पूरा रख जाता है मनी प्लांट पे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। पर मैं डाल भी नहीं सकती नीचे, तो नीचे तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकती क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो कैमरा वहाँ तक जाएगा नहीं, हल्का सा वो दिख रहा है। तो ये सारे धुल गए हैं और अपनी जो है वेशभूषा एकदम बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो के एकदम तैयार हो गए हैं और अब देखने में अच्छा लग रहा है। और पूरा एंड तक जो है मेरे पूरे पौधे जो जैसे भी हैं, पौधे जितने भी पौधे मैं लगा रखी हूँ सभी यूज़फुल हैं, सारे जो हैं एयर प्योरीफायर हैं और यही सब लगा रखी हूँ। तो ये फ्लावर्स मेरे कम हैं तो वही सब लगा रखी हूँ और ये अच्छे से एकदम धुल गया तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आज तो कोई वीडियो लगता है बनेगा नहीं, बारिश बहुत तेज हो गई है और मौसम हो गया बहुत खराब। गर्मी में इतनी बारिश से पहले कभी नहीं हुई, दिल्ली का मौसम चेंज हो गया है अब प्रकृति, धीरे धीरे एनवायरमेंट चेंज हो रहा है। और यही कहते हैं कि प्रकृति का नियम है परिवर्तन, ये परिवर्तन ही दिखा रही हो और ये दिखा रहा है कि अब कैसे कैसे हर चीज़ चेंज हो सकता है। मैं तो अभी आई है बेटी को भी भेजी हूँ कॉलेज, अभी उसको भी फोन करती हूँ कि वो मेट्रो चढ़ा या नहीं। बहुत ज़्यादा ही मौसम ख़राब है, बहुत बताएंगे।
तो आज की छोटी सी वीडियो मेरी मौसम पे, देखिए मौसम, देखो जहाँ रहते हो वहाँ का तो आपको थोड़ा सा जो है उसको आपको निकालना ही पड़ेगा कि क्या हो रहा है आपके शहर में, क्या नहीं हो रहा है। मैंने भी जो है आज जैसे ही आई स्कूल से, तो आज की वीडियो जो मैं इसी पर बनाई, तो आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, सब्सक्राइबर मेरे बढ़ेंगे तभी कुछ होगा। लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, अच्छा है बुरा है जो भी है कमेंट भी कीजिए, और आप लोग खुश रहिए। और इस इतनी तेज़ बारिश में अगर कोई चाहते हो कि दिल्ली का दर्शन करें या घूम सकते हो, जिनको बारिश बहुत ही पसंद है, भीगना पसंद है, वो आके दिल्ली घूम सकते हैं या दिल्ली वाले दिल्ली घूम सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो घूमिए और मस्त रहिए और बारिश का लुत्फ उठाइए, पकौड़े बनाइए, खाइए पीजिए, और तब तक लेटा कर बाय बाय।